पर आगे क्या होने वाला। और ये जो हर तरफ मशीन लर्निंग AI की धूम मची हुई है, क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी है तो अभी तो लेटेस्ट एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आ गई, तो क्या इस हाइप पे जो है वो हमें यकीन रखना चाहिए? अच्छा, हाइप का वर्ड क्यों कह रहे हैं, वही बात है कि मीडिया उठा के देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, साइंस कम्युनिटी उठा के देख लें, कंप्यूटिंग कम्युनिटी उठा के देख लें, रिसर्च पेपर उठा के देख लें, रिसर्च एरियाज उठा के देख लें, मॉडर्न रिसर्च जो स्टडी चल रही है उनको उठा के देख लें, वो अब AI के बगैर मुकम्मल नहीं। इवन के रिसर्च से हटके मैं नीचे लेवल पे आ जाऊं, यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाऊं, स्टूडेंट्स लेवल पे आ जाऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट जो है ना वो AI के बगैर जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक बेकार सी चीज है। हर स्टूडेंट को अभी कहा जा रहा है कि वो तो हाइप क्रिएट कर रहा है, तो क्या वाकई इस पे जो है ना बिलीव करना चाहिए? बाकी ये बिलीव सवाल यहाँ पर एक फिलोसफिकली ये भी होता है, क्यों कह रहा है बिलीव करना चाहिए? कभी ऐसी बात तो नहीं हुई कंप्यूटिंग पे बिलीव करना चाहिए या किसी दूसरी उस पर बिलीव करना चाहिए? बिलीव की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये ऐसा हुआ कि ये जो मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट है वो भी नया नहीं है, ठीक है, 1951 और 55 में जो है ना टर्म AI का इस्तेमाल हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया भर के सारे मैथमेटिशियंस जो है वो जमा हुए, कोई 200-300 के करीब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना वो जमा हुए उसके अंदर, और उन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर सोचना शुरू किया, वो भी जिक्र आगे आएगा भी। तो उस वक्त से ही जो है ना वो एल्गोरिथम जो है वो बनने शुरू हो गए और काम करना शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि जी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम थे किसी हद तक तो परफॉर्म करते थे, उसके बाद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है एक एक्सट्रम एक्सटेंट जो है वो जाके क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जब वो स्टॉप हो गई तो रिजल्ट्स जो है वो उस मयार के नहीं आने लगे जिस मयार के एक्सपेक्टेड, और एक वक्त ऐसा आया लोगों ने इसको पढ़ना और इस पे रिसर्च करना जो है वो छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या होता था, अब अगर कोई शख्स जो है वो इस पे रिसर्च कर रहा होता था, अपना पेपर पब्लिश करने जाता था किसी जर्नल के अंदर, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था, जर्नल एक्सेप्ट ही नहीं करता था पेपर। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पागल थे वो फिर भी रिसर्च करते थे, अब वो उसका टॉपिक और उसकी सारी चीजें जो है ना वो ऐसे रखते थे कि उसमें से कहीं से ये ना पता चले कि इट्स रिलेटेड टू AI, ताकि जर्नल जो है ना उस पेपर को जो है वो एक्सेप्ट कर ले और पब्लिश कर ले। तो वो एक कहते हैं कि AI की फील्ड के अंदर दैट पीरियड वॉज एन ऑटम का पीरियड था, वो 20-30 साल जो है। अब अगर भाई हम डीप लर्निंग की तरफ चले जाएं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ना शुरू किया, ये हमारे इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, किसी ने प्रोडक्ट बनाना शुरू करी उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसी ने रिसर्च करना शुरू किया उसके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, उसके करियर की इन्वेस्टमेंट है, हर तरह की इन्वेस्टमेंट से लोग डरने लगे, ऐसा ना हो कि दोबारा ये ऑटम पीरियड आ जाए और जो है ना मामला चले जाए। लेकिन फिर वही हुआ कि 2008 और 2010 के बाद से जो है जब ये डीप लर्निंग का फेज आया मशीन लर्निंग के अंदर और AI के अंदर, तो इसने जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ड्रामेटिकली जो है ना बेहतरीन कर दी, यूं समझ लें कि वो 70 से स्केल से निकाल के 98-99 तक पहुंचा दिया। तो एक दोबारा से जो है ना धूम मच गई कि वो जो एक ब्लॉक आया हुआ था रास्ते में, रुकावट बना हुआ था, वो हट गया। वो कैसे हट गया वो अभी आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीजें सीखेंगे कि वो क्या चीज थी जिसको सॉल्व कर लिया गया तो मसाइल जो है वो हल हो गए। अब ये हमें एक फिगर नजर आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एक्सप्लोरेटरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है, धरती पे बनाई जाती है, उसके अंदर से एक बड़ा डोमेन जो है वो मशीन लर्निंग का डोमेन। मशीन लर्निंग के भी फिर बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें काम होता है, उसके अंदर अब सबसे बड़ा डोमेन मशीन लर्निंग का जो है वो डीप लर्निंग है। तो वो लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग,
So the difference is deep learning is a subset of machine learning and machine learning is a subset of artificial intelligence. ठीक है, तो eventually if you are doing deep learning, so you are doing machine learning. ठीक है, लेकिन आप टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए? डीप लर्निंग की. कोई सवाल इस बात में, इस डायग्राम के हवाले से? मशीन लर्निंग के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं और डीप लर्निंग के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स? अच्छा, प्रॉब्लम्स जो है वो ये हर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं मशीन लर्निंग में भी डीप लर्निंग में भी. कोशिश दोनों ही करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं हर जगह. कहीं कंप्यूटेशन का कंस्ट्रेंट है, कहीं डेटा की अनअवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेंट है, कहीं कंप्यूटिंग पावर का कंस्ट्रेंट है. ठीक है, तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं. जी आदिल शिराज कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? जी जी सर, बिग डाटा जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन है जिस तरह मशीन लर्निंग एक डोमेन है. हाँ, बिग डाटा जो है ना वो असल में बिग डाटा जो है वो एक अलग डोमेन है, लेकिन चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटा की जरूरत होती है इसलिए वो खुद ब खुद आके एआई के साथ डाटा जो है ना, डाटा साइंस और बिग डाटा जो है ना यहाँ चिपक जाता है. अच्छा, ठीक है सर. ठीक है जी 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 सर, डेटा साइंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों के साथ जो है वो कनेक्ट होता है. जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये तीनों चीजें परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है. ठीक, हमने जो अभी तक पीछे डेटा पे काम किया है, डेटा क्लीन करना, डेटा ये करना, डेटा वो करना, क्योंकि अब अगर मशीन लर्निंग को मुझे डेटा प्रोवाइड करना है तो इसे बहुत ही जो है ना वो रिफाइंड हम जो है वो डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स और डेटा साइंस की लाइब्रेरीज की मदद से पहले क्या करेंगे, डेटा की प्री प्रोसेसिंग करके उसे बेहतरीन अंदाज में ले आएंगे ताकि वो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग को फीड किया जा सके. सर, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अलावा और कौन कौन से टेक्निक्स यूज हो सकते हैं? जैसे मशीन लर्निंग के अंदर जो है ना आपके पास सपोर्ट वेक्टर मशीन एक बड़ा मशहूर जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, SVM के नाम से. और इसके अलावा भी दो चार पांच एल्गोरिदम और हैं भी आगे आने वाले, उसमें हम नाम देखते हैं. राइट सर. अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर मैं पढ़ दूं? जी जी जी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज बोर्न इन द 1950s व्हेन handful of pioneers from the nascent field of computer science started asking whether computers could be made to think, a question whose ramifications we are still exploring today. Chupatri, matlab domain khol ke rakh diya ki bhai 1950 mein jo maine kaha na ki bahut sare computer scientists jo hain wo jama hue और उन्होंने जो पायनियर्स थे ना कंप्यूटर साइंस की फील्ड के, जो मैथमेटिशियंस थे, स्टैटिस्टिशियंस थे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की बुनियाद रखी, वो खड़े हुए. उन्होंने जो है ना कंप्यूटर तो वजूद में आ चुका था, हमने देखा जी वो फला कंप्यूटर और फला कंप्यूटर, क्लास छोटी क्लासों में पढ़ते रहे, वो सारे कंप्यूटर मौजूद थे, बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद थी. अच्छा, अब वो परफॉर्म भी करते थे, हमने देखा था उनकी परफॉर्मिंग, ये छोटी छोटी कंप्यूटेशन जो है वो उस उन कंप्यूटर्स पे हुआ करती थी. और लेकिन जो विजनरी लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं सही मानों में, हमारे तरह बातें करने वाले नहीं, जो वाकई इंटेलेक्चुअल होते हैं, देखो उन्होंने 1950s में ही जब कंप्यूटर ही अंडर डेवलप था, उस वक्त कंप्यूटेशन पावर भी क्या थी, कुछ भी नहीं, शायद कोई प्रोसेस छोटा बहुत कर लेते थे उसे, उस वक्त भी उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि क्या कंप्यूटर सोच भी सकेगा. मतलब सिर्फ ये आप देखें कितना स्टेप आगे सोचा उन्होंने, ये पहले नहीं सोचा, तो सोच लिया होगा शायद उन्होंने कि भाई अभी इतनी बड़ी मशीन है, अभी इसी कंप्यूटर पावर जो है वो कंप्यूटेशन पावर इतनी कम है, अभी ये मशीन आहिस्ता आहिस्ता कम्पैक्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, कंप्यूटेशन पावर, स्टोरेज पावर
और पता नहीं क्या क्या बढ़ता जाएगा, सारी चीजें जो है बढ़ेंगी, मशीन कम्पैक्ट होती जाएगी। इसे हम आज के दौर में हम, मुझे याद है जब मैंने कोई 99 या 98 में पहला सिस्टम लिया, डेस्कटॉप सिस्टम था, ठीक है, तो उस वक्त तो मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है, कि कोई जो है ना वो मिनी बुक की तरह, लैपटॉप की तरह जो है ना, मैं कोई सिस्टम जो है ना, कि उनका विजन क्या था जो मैं अंदाजा कर रहा हूँ कि वो ये सब चीजें सोच चुके होंगे कि कंप्यूटर ऐसा हो जाएगा बाद में, और आखिर में क्या सोच रहे हैं जो हम आज के दौर में, हम आज भी यकीन नहीं कर पा रहे कि कोई मशीन भी सोच सकेगी। तो इस बारे में सोचना उन्होंने 1950s में ही जमाओ के कॉन्फ्रेंस में, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है ना, उन लोगों को तो शुरू से ही एक्सपोजर मिलता है कि वो उस लेवल पे फिर जाके सोचते नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो चीजें जिस वक्त इन्वेंट होती हैं, ठीक है, जिस वक्त इन्वेंट होती है, सोच आपके एनवायरनमेंट की मोहताज होती है ना, मतलब अगर हमें वो फैसिलिटीज हमारे एजुकेशन सिस्टम ही प्रोवाइड नहीं कर रहा तो हम अपने, मतलब अभी जी कोई बात ये, जब 1950s में अब मैं यहाँ दिखाता हूँ कि भाई यहाँ मैं अगर लिख के सर्च करूँ AI कॉन्फ्रेंस, तो वो कोई एक मुल्क के थोड़ी थे, वो तो सारी दुनिया से जमा हुए थे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े जो है ना वो साइंटिस्ट जो है इसके अंदर शामिल थे, कॉन्फ्रेंस के तस्वीर भी उन्होंने यहाँ पर, ये एलन मस्की और ये सारे, एलन ट्यूरिंग, ये वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कंप्यूटिंग का, ये वो सारे साइंटिस्ट हैं जो जब जमा हुए उसमें, उसमें अब दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं उसमें, सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जर्मन, ये तो एक जमाने में अगर देखा जाए तो इवन एलन ट्यूरिंग भी बहुत सारे जो है वो केसेस बने थे और चीजें, इनको भी कोई नहीं सुनता था उस जमाने में। बात ही ऐसी थी ना, मैं आज आपसे कहूँ कि यार ये जो है ना वो 1950s के दौर में आपको ले जाए और रहोगे आपके घर में डिवाइस होगी, आपसे सवाल पूछ, मतलब कोई भी यकीन नहीं करेगा ना, आप पागल बोलेंगे आप। बड़े आदमी की पहचान ही, बड़े आदमी तो बड़ा आदमी इसीलिए होता है ना। और वो मैम भी ठीक थी कि कुछ फॉल्ट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है, मतलब मेजर है, बल्कि मेजर है वो, ये भी एक है, और दूसरा ये कि हम इन्वेस्ट ही नहीं करते एजुकेशन में और रिसर्च में, असल चीज ये है। और इन्वेस्ट में फिर मैंने कहा ना अभी, मैंने थोड़ी देर पहले इन्वेस्ट की डेफिनेशन आपको बताई कि इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं, इंटेलेक्चुअल भी पावर को भी इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, इन्वेस्ट का मतलब ये होता है अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, आप अपनी रिसर्च को इन्वेस्ट करें, तो वो हमारे मतलब मैं अगर आपको बात बताऊं, मुझे इतना ज्यादा फील होता है इस बात के ऊपर कि मैं यूनिवर्सिटीज में, अब जितने भी हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं या मास्टर्स करके निकल रहे हैं या वो करके निकल रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन प्रैक्टिकल फील्ड, वो ज्यादातर क्या करते हैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी में पहले वो विजिटिंग फैकल्टी लग गया, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, फिर साल गुजरते 10-15 साल में वो परमानेंट जो है ना वो हो गए। अब उन्होंने क्या सोच लिया, उन्होंने सोच लिया कि बस अब वही उनकी लाइफ है, वही करनी है, एक करते 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 किस्ते के साथ जो उनका PhD भी आखिरकार जो है वो हो गया। लेकिन बिल्कुल सर, सोच क्या रही, सोच वही लिमिटेड रही। अब उन्होंने क्या सोच लिया, मेरा PhD हो गया, मेरी 17 ग्रेड की नौकरी हो गई, अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब मुझे बस, अब मेरी लाइफ जो है ना वो सेटल हो गई, मैं सुकून से यही काम करता रहूंगा और यहाँ से सुकून से जो है वो रिटायर हो जाऊंगा।
ऐसा ही है, बच्चों को पढ़ाऊंगा या दो चार रिसर्च पेपर शाया करूंगा और निकल जाऊंगा और निकल जाऊंगा। अच्छा अब बात ये है कि यार नहीं कुछ और सोचते मतलब सर इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो किसी की तवज्जो है ही नहीं ना, वो अगर यूनिवर्सिटी से बात करो तो वो कहते हैं आप प्रोजेक्ट ले आए हम फिर काम कर लेंगे, ये नहीं कि हम मिलके मतलब प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और फिर उस पर काम शुरू करते हैं। वो ना कभी किया होता है ना वो कैपेबिलिटी भी नहीं होती ना, तो अब यही वजह है कि हमारी तरफ से हमारे अपने कंट्री से इसी वजह से हमारी तरफ से प्रोडक्ट्स नहीं आ रही मार्केट में। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, और प्रोडक्ट नहीं आ रही तो वो रिसर्च का लेवल भी जो है ना वो क्या है बहुत लिमिटेड है। सर इसकी वजह ये भी है कि हमारा जो इंडस्ट्री है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लिंक ही नहीं है, तो उसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सेपरेट चल रहा है, इंडस्ट्री सेपरेट चल रही है, तो इसलिए वो उसकी वजह यही बात यही है ना बात यही है कि अगर इंडस्ट्री बेस्ड लोग अगर जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे या वही लोग जो पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखेंगे तो फिर उन्हें पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट क्या है और उनको क्या पढ़ाया जाए बच्चों को। इंशाल्लाह सर इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम ये काबिल होंगे कि हम पढ़ा भी सकते। इंशाल्लाह 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 मैं तो हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई पढ़ो ऐसे जिस तरह मेरी भी यही सोच होती है, जब मैं किसी से पढ़ रहा होता हूँ या कोई टॉपिक पढ़ाने की सोच रहा होता हूँ तो मैं सुन भी रहा होता हूँ किसी को, तो मैं प्लानिंग ये कर रहा होता हूँ कि अगर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जो है ना वो क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उतना एक्सप्लोर करके पढ़ो कि किसी को समझाया जा सके, ठीक है कुछ बात की जा सके, सिर्फ गुजारे लायक नहीं। मसला ये कि हमारी पहले टॉप लीडरशिप इंटरेस्टेड ही नहीं थी ना, मैं जो कहती थी ना कि हमारी एजुकेशन का लेवल वो नहीं, हमें इतने अपने जाती मसाइल में उलझा दिया गया है ना कि वो हम लोग कलेक्टिव सोच की तरफ आते ही नहीं है। अब देखेंगे ढाई साल पहले तीन साल पहले ये इमरान खान के कहने पे डॉक्टर आरिफ अलवी ने PIAIC का इंट्रोड्यूस कराया, ढाई साल आप लोगों ने सर तोड़ कोशिशें की हैं मेहनतें की हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि इस साल मुझे इतनी खुशी हुई सर ज़िया ने पोस्ट की थी कि पहली दफा पाकिस्तान के जो वो गिटहब के ऊपर यानी कि फ्री सोर्स अपलोड करने वाले जो सबसे ज्यादा दुनिया में जो नेशन है पाकिस्तान का नाम पहली दफा टॉप 10 में आया है। ठीक है तो अब ये चीजें रंग दिखाना इंशाल्लाह शुरू होंगी। जाहिर है अभी बेस जो है ना बनना शुरू होती है, हाँ बेस बनना शुरू होती है, टाइम लगता है, तो अब PIAIC शुरू हुआ इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर पहले बैच में जो है वो 5% 10% लोग भी जो है ना वो सामने आ जाए जो काम के हों तो अचीवमेंट है ये, फिर वो 5 से अगले साल जो है ना 10 हो जाएंगे। IT की इंडस्ट्री अभी एक्सप्लोर करी हमारी $1 अरब से मतलब पढ़ रही थी कि एक्सीड कर गई है इससे जो हमारी अर्निंग्स हैं, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट इन 2.5 years। बिग अचीवमेंट है लेकिन अभी भी आप देखेंगे पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। अभी तक हम असल में गवर्नमेंट अभी सिर्फ सोच रही है कि किसी तरह डॉलर पाकिस्तान आ जाए, ठीक है ना, अब उसी लड़के फ्रीलांसिंग करे जा रहे फ्रीलांसिंग इंडिया की 80 बिलियन है हम दो तीन बिलियन जो पहले हमने नहीं किया तो हम वी आर बिहाइंड। PIAIC ने अभी इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने 90s में लिया था, मतलब दे वर फार अहेड 30 years अहेड ऑफ अस। अच्छा चलें अब दोस्तों आगे चलें ताकि हम भी सीख सकें, ये सारी चीजें सबको पता है। चले ये भी पार्ट होता है। अच्छा वो आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये, हम फ्रीलांसिंग तो करे जा रहे हैं कि हमारा जो है ना वो डॉलर जो है ना फ्रीलांसिंग के थ्रू आ रहे हैं हमारी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग करना जो है ना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक मजदूर जो है ना उसको घर बना रहा हो और जब घर बन जाता है वो अपनी दिहाड़ी लेता है और अपने घर चले जाता है, उस वक्त घर से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कोशिश आप लोगों को ये करनी है कि फ्रीलांसिंग तो करें साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आपकी अपनी प्रोडक्ट जो है ना डेवलप हो और मार्केट के अंदर जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई मैं वैसे तो अपने आप को जो है ना बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया और इस मामले में भी मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आप यकीन करें कि पाकिस्तान में मैं पूरे जो है ना एतमाद के साथ ही बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे पहले मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ाना शुरू करी या और स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, यानी आज मैं बात कर रहा हूँ 2016-17 की,
जब हमने पढ़ना शुरू किया सर जिया के साथ, 6 महीने का हमने कोर्स किया, फिर पढ़ाना शुरू किया हमने, और उससे लेके अब तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कराची में, इधर भी उधर भी, जितने लड़के जहां कहीं मशीन लर्निंग के हवाले से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेटा साइंस के हवाले से कर रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह या तो हमारे पार्टनर रहे हैं या हमारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि चलो यार आज नहीं, आज इतना फ्रूटफुल नहीं है, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ये दरख्त बन जाएगा और पाकिस्तान का नाम होगा, तो कम से कम मैं तो ये कह सकूंगा कि नहीं यार हमने इसमें जो है वो अपना जो है ना एफर्ट डाले। यही आप लोग भी जो है वो इसी तरह कोशिश करें कि जो है, मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं, थोड़ा जो है ना स्टार्टअप से भी काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है ना वो स्टूडेंट से भी फोकस ही होता है कि भाई अपना जो है ना वो आप भी जो है ना वो क्लाइंट्स पकड़े, इंटरनेशनल काम करें, ये करें। तो मैं कहता हूँ कि यार वो बाकी लोग कर लेंगे, हमें जो है ना पढ़ाने दो ताकि और फोर्स जो है वो तैयार हो सके। तो ये जो आप प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या हम भी मतलब इस लेवल पे कोई आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि मतलब हम भी उसमें थोड़ा बहुत काम करते रहें और सीखते जाएं? बस ये वाला मॉड्यूल आप गुजार लेंगे ना इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से जब गुजार लेंगे तो आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे और आप बहुत कुछ कर सकेंगे, और आपके एक्चुअल प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम होंगे सर। इंशाल्लाह। तो बस ये इस तरह पढ़ना है इंशाल्लाह। अब चलते हैं आगे। अ कंसाइज डेफिनेशन ऑफ द फील्ड वुड बी एज फॉलोस। अब ये जो जिस फील्ड की वो बात कर रहे थे ना, यानी इस एक जुमले में, इस एक वर्ड थिंक में जो पूरी कहानी उन्होंने समो दी, वो फील्ड क्या थी? द एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क नॉर्मली परफॉर्म बाय ह्यूमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला है। कहते हैं एफर्ट टू ऑटोमेट इंटेलेक्चुअल टास्क। इंटेलेक्चुअल टास्क क्या होता है? देखो जैसे मैं देख सकता हूँ मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है जिससे मेरी आप तस्वीर देख रहे हैं, वो भी कैमरा भी मुझे देख रहा है, ठीक है, लेकिन हम दोनों के देखने में फर्क है। वो सिर्फ देख रहा है और मैं देखकर समझ भी रहा हूं कि मैं क्या देख रहा हूं, ठीक है। यहां पर इन्वॉल्व है इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट इन्वॉल्व है। तो अब वो हम कहते हैं कि यार हमने एक इंडस्ट्री में एक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी है, वो क्या कर रही है? वहां से डब्बा उठा रही है, वहां ले जाके पैकिंग में रख रही है, वो मशीन उसे पैक कर रही है, वो मशीन उसे पैक करने के बाद जो है ना आगे ड्रॉप कर रही है। ये भी टास्क ऑटोमेटेड है, रोबोटिक टास्क है, बट ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्या नहीं है, क्या चीज नहीं है? अगर उस जगह पर डब्बा मौजूद ही ना हो तो मशीन क्या करेगी? अगर वो डब्बा खराब हो तो मशीन को कैसे पता चलेगा वो डब्बा खराब है? देर वॉज नो इंटेलेक्चुअल। जो इंटेलेक्चुअल करती है कि कौन सा बॉक्स है, तो फिर इंटेलेक्चुअल होगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, ठीक है ना, कि वो आइडेंटिफाई कर सके जो प्रोडक्ट में देख रहा हूँ, इस प्रोडक्ट जो है ना वो सही है या खराब है, उसको जो है ना वो क्या कर सके, सेपरेट कर सके, तो वो इंटेलेक्चुअल उसके अंदर जो है। तो ये टास्क जो है वो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल ह्यूमंस करते थे, ये इंटेलेक्चुअल जो है ना वो ऑटोमेट कर दी जाए, मशीन के अंदर इंटेलेक्ट डाल दिया जाए जी। एज सच AI इज अ जनरल फील्ड दैट इनकंपासेस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। AI जनरल फील्ड है जिसके अंदर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग है, बट दैट आल्सो इंक्लूड्स मेनी मोर अप्रोचेस दैट डॉट इन्वॉल्व एनी लर्निंग। इसमें और भी अप्रोचेज हैं जिसमें लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती, जिस तरह मैंने कहा अभी सपोर्ट वेक्टर मशीन और फला फला के एल्गोरिथम्स हैं जी। अब यहां ये कहते हैं अर्ली चेस प्रोग्राम्स, समझिएगा इस बात को। फॉर इंस्टेंस जैसे कि चेस प्रोग्राम थे, शतरंज खेलने के लिए जो प्रोग्राम रखे गए, आपने बहुत बार सुना होगा कंप्यूटर ने हरा दिया आलमी चैंपियन को, आलमी चैंपियन ने कंप्यूटर को हरा दिया। फॉर इंस्टेंस आर इन्वॉल्व हार्ड कोडेड रूल्स क्राफ्टेड बाय प्रोग्रामर्स। उसमें क्या होता था उस चेस प्रोग्राम के अंदर, वो प्रोग्राम कोडेड होता था किससे, हार्ड कोडेड रूल उसमें इफ देन एल्स करके जो है ना सारी चेस की जो है ना कमांड और चालें जो है ना वो फीड कर दी गई, ठीक है, एंड दैट डिडंट क्वालिफाई एज अ मशीन लर्निंग। वो मशीन लर्निंग नहीं था, मतलब इसको मैं आसान जबान में और समझाऊं कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, ठीक है, वो प्रोग्राम क्या करता है, वो ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोग्राम है, उसको मार्क्स मिलते हैं, वो बता देता है कि ये इतने मार्क्स हैं तो ये ग्रेड है। अच्छा ये एफिशिएंट तो है, जिसको इसके पास जितने मार्क्स आ रहे हैं
वो बता रहा है कि मुझे इतने ग्रेड, लेकिन ये बात किसको किसने बताई है कि इतने मार्क्स आएंगे तो ये ग्रेड होगा? ये बात हमने हार्ड कोडेड रूल्स के तहत बता दिए, एक बात हमने हार्ड कोडेड रूल्स के तहत बता दिए कि ये होगा तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ठीक है ना जी। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि एक किसी भोले आदमी के हाथ में जो ना 10 रुपए सीधे आपने दे दिए, 10 रुपए उल्टे हाथ में दे दिया, अभी 1 10 रुपए का जो है ना वो समोसा ले आना, 1 10 रुपए का रोल ले आना। अब दुकान पे पहुंचा भूल गया यार कौन से वाले का समोसा लेना था, कौन से वाले का रोल लेना था। मेरी बात समझ रहे हैं जी? ये हार्ड कोडेड रूल है ना जी, लेकिन अब उसको ये चीजें क्राफ्ट करके डाल दी गई। आप यकीन करें अभी हम आगे चलेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वी आर नॉट गोइंग टू राइट अ सिंगल इफ एंड एल्स। बिल्कुल ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, नहीं हम बल्कि उसकी लर्निंग कराएंगे। अभी हम आता हूं लर्निंग की तरफ। तो फॉर अ फेयरली लॉन्ग टाइम मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट ह्यूमन लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी अचीव बाय हैविंग प्रोग्रामर्स हैंडीक्राफ्ट अ सफिशिएंटली लार्ज सेट ऑफ एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग नॉलेज। ये कह रहे कि भाई ऐसा करते हैं हम कि अगर मुझे एक रोबोट को, जो चेस वाला ही रोबोट है जो खेल रहा है, उसको ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंट करना है तो जितने रूल हो सकते हैं लाखों में हो जाएं, वो सारे के सारे होल्ड करके उसके अंदर डाल दिए हैं। अब इंसान जब उसके साथ खेलना शुरू करेगा तो इंसान जो भी चाल चलेगा उसके अगेंस्ट वो चाल चलेगा तो वो फिर इंटेलिजेंट हो जाएगा। क्या ख्याल है? अगर उसको सारी बातें पता चल जाए तो इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो ये वाली जो अप्रोच है, ये अप्रोच सिंबॉलिक एआई कहलाती थी कि जो हमारी स्मार्ट मशीन्स पहले बनाई गई वो क्राफ्टेड रूल्स पे बनाई गई, इसलिए वो सारी सिंबॉलिक एआई कहलाती थी। एंड इट वाज द डोमिनेंट पैराडाइम इन द एआई फ्रॉम द 1950s टू 1980s। 50 से लेके 80 की दहाइयों में यही डोमिनेंट रहा, यही काम होता रहा है कि जितने पॉसिबल सेट ऑफ रूल्स होते थे, पॉसिबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती थी, वो एक प्रोग्राम में फीड करके मशीन को सप्लाई कर दिया जाती थी, मशीन उसके तहत जो है वो काम करती रहती थी। तो इट्स रीच इट्स पीक पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द एक्सपर्ट सिस्टम बूम इन 1980s के सीजन में जब एक्सपर्ट सिस्टम बनने लगे, कंप्यूटेशन पावर आ गई, सिस्टम कम्पैक्ट हो गए, तो यही इस तरह की एआई के अंदर जो है बड़ा बूस्ट आ गया, बड़ी जो है ना स्मार्ट सॉफ्टवेयर बनने लगे, एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनने लगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना वो आगे बढ़ गई। ठीक है, ऑल्सो सिंबॉलिक एआई प्रूव्ड सूटेबल सिंबॉलिक टू सॉल्व द वेल डिफाइंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज प्लेइंग चेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है कि सिंबॉलिक एआई के अंदर, या अब तक जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहे, उस सिंबॉलिक एआई के अंदर प्रूव टू बी वेल डिफाइंड लॉजिकल प्रॉब्लम, ये वो मसले तो हल कर सकती है जो कि वेल डिफाइंड मसले हो, कि ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो ये करना, ये हो जाए तो, जहां हर चीज डिफाइंड हो वो मसला तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसका इफ देन एल्स लगा होगा। ठीक है, बट इट टर्न आउट टू बी इंट्रेसेबल टू फिगर आउट एक्सप्लिसिट रूल फॉर सॉल्विंग मोर कॉम्प्लेक्स फजी प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जो है वो इंट्रेसेबल हो गई, काम नहीं कर पाई, फंस गई कहां तक, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई, फजी प्रॉब्लम आई, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन कि किसी तस्वीर को आइडेंटिफाई करना, स्पीच रिकॉग्निशन आवाज को आइडेंटिफाई करना, अब इसको कैसे मैं इफ देन एल्स में डालूंगा, तस्वीर को कैसे इफ देन एल्स में डालूंगा, कभी दुम टेढ़ी हो, टांगे छोटी हो तो भी कुत्ता है और मुंह ऐसा हो तो कितने रूल्स डालूंगा, नॉट पॉसिबल। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अ न्यू अप्रोच अरोज टू टेक सिंबॉलिक एआई प्लेस एंड दैट इज मशीन लर्निंग। अब जो है 80s के बाद 90s में जो है 80s के ही फेज के अंदर जो है वो मशीन लर्निंग का डोमेन जो है वो सामने आ गया। ठीक है, इसने साथ अब देखें यहां पर इस खातून का नाम तो आपने सुना होगा, एडा, बिल्कुल एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज, सारे बच्चों ने क्लास फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर, ये बल्कि फर्स्ट प्रोग्रामर ही थी, लेडी प्रोग्रामर कहना गलत होगा। अच्छा कहते हैं, आप
देखें ये पहली प्रोग्रामर थी, उसका सवाल देखें और इसकी इंटेलेक्ट का लेवल देखें. इन विक्टोरियन इंग्लैंड लेडी एडा लवलेस वॉज अ फ्रेंड एंड कोलेबरेटर ऑफ चार्ल्स बेबेज द इन्वेंटर ऑफ एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट नॉन जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर. आल्थो देखिए इसने भी यही बात लिखी, आल्थो विजनरी एंड फार अहेड ऑफ इट्स टाइम द एनालिटिकल इंजन wasn't mean a general purpose computer. कि वो analytical engine तो बन गया था लेकिन वो भी general purpose computer नहीं था. When it was designed in 1830s and 1840s, 1830 or 40 में जब उस computer को बनाया, general purpose नहीं था वो. Because the concept of general purpose computation was yet to be invented. क्योंकि उस वक्त तक तो general purpose का concept ही नहीं था कि भाई एक computer general computer होगा जिससे बहुत सारे काम कर सकेंगे. नहीं, ऐसा computer था जो एक particular काम कर सकता था, एक और कंप्यूटर बना लिया वो एक पर्टिकुलर काम कर सकता था. इट वॉज मेयरली मेड एज अ वे टू यूज मैकेनिकल ऑपरेशंस. वो फकत क्या कर सकता था, सिर्फ क्या कर सकता था कि मैकेनिकल ऑपरेशन कर सकता था टू ऑटोमेट सर्टेन कंप्यूटेशंस फ्रॉम द फील्ड ऑफ मैकेनिक मैथमेटिकल एनालिसिस. मैथमेटिकल एनालिसिस की फील्ड से कुछ काम कर लेता था वो. हेंस द नेम एनालिटिकल इंजन, इसीलिए उसको एनालिटिकल इंजन कहते. इन 1843 Ada Lovelace remarked the invention. देखिए उसने क्या बात बोली. उसने कहा the analytical engine has no pretensions whatever to originate anything. Analytical engine बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, कोई pretension ऐसी नजर नहीं आ रही कि जो कुछ खुद originate कर सके, खुद कुछ ओरिजिनेट कर सके, यानी खुद कर सके, खुद कर सके. ये कहती है इट कैन डू वट एवर वी नो, ये तो वही कर सकता है जो हम जानते हैं. टू ऑर्डर इट टू परफॉर्म, और हम उसे ऑर्डर करते हैं कि भाई ये काम करो. इट्स प्रोविंस इज टू असिस्ट अस इन मेकिंग अवेलेबल वट वी आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विथ. इसका तो काम सिर्फ इतना हो गया है या इतना ही है कि ये हमें वो चीजें अवेलेबल कर दे जो हमारे पास पहले से क्या है, मौजूद है. जब इस बात की समरी करता हूं, ये कहना चाह रही है कि कंप्यूटर तो वही काम कर सकता है जो मैं पहले से जानता हूं. यानी कि अगर मैं जानता हूं कि एक बच्चे के 60 प्लस मार्क्स आएंगे तो उसका ग्रेड सी होगा या बी होगा, ये मैंने कंप्यूटर को बता दिया है. अब कंप्यूटर मुझे बार बार वो चीजें ग्रेड के अगेंस्ट बता रहा है, कौन सी कमाल काम कर रहा. बात समझ आ रही बात. जो चीज मुझे पहले से मालूम है मैंने फीड कर दी, रूल तो मैंने ही फीड किया, इसका मतलब मुझे उनके जवाब मालूम है. बस किसी मौके पे क्या करना है, जब वो चीज आ जाए तो मुझे वो बता दे. बात समझ में इसकी जी, कि मतलब वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो जो मैं उसे मतलब प्रोग्राम करके दे रही हूँ वही वो मतलब आउटपुट दे रहा है, वही आउटपुट दे रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे वो बातें बता रहा है जो मुझे पहले से मालूम है, बस सिर्फ मेरी मदद कर रहा है कि जरा काम जल्दी हो जाए, सारी चीजें बता देगा. तो अगर इसके एंटी सोचूं तो उसने ये बात भी इसी में बोल दी है कि हमें ऐसा कंप्यूटर बनाना होगा जो खुद कुछ कर सके, हमें वो काम करके दे जो हम जानते ही नहीं है. जी बिल्कुल, आ रही बात सुनने. बिल्कुल. अब ये कहता है दिस रिमार्क वॉज लेटर कोटेड बाय एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग ने इस पे पेपर लिखा, उसका नाम ही क्या लिखा, लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन. इस रिसर्च पेपर का नाम ही उसने रखा लेडी लवलेस ऑब्जेक्शन इन इज लैंडमार्क 1954 कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस. ठीक है, 1950 में ये बात उसने की, इंटेलिजेंस वाली कंप्यूटिंग मशीनरी और उसके साथ इंटेलिजेंस, विच इंट्रोड्यूस ट्यूरिंग टेस्ट. उसने ट्यूरिंग टेस्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया एज द की कॉन्सेप्ट दैट वुड कम टू शेप एआई. ये वो कॉन्सेप्ट था जो उसने एआई की शक्ल बताई कि कैसी होगी. ट्यूरिंग वॉज कोटिंग एडा लवलेस वाइल पॉन्डरिंग वेदर जनरल पर्पज कंप्यूटर्स कुड बी कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड ओरिजिनैलिटी. ट्यूरिंग ने जो क्या किया वो कोट कर रहा था कि एडा लवलेस ने जो जनरल कंप्यूटर की बात की है कि आया कंप्यूटर जो है वो सीखेगा भी और कुछ ओरिजिनेट भी कर सकेगा, नहीं कुछ नया भी कर सकेगा. एंड ही केम टू कंक्लूजन दैट दे कुड. 1950 में उसने कहा कि हाँ जी कर सकेगा. ठीक है, तो मशीन लर्निंग अराइजेस फ्रॉम दिस क्वेश्चन. यही वो क्वेश्चन है जिससे मशीन लर्निंग अराइज हुई. चली, कुड अ कंप्यूटर बी गो बियॉन्ड
क्या कंप्यूटर उससे आगे जा सकता है, किससे आगे, व्हाट वी नो हाउ टू ऑर्डर इट टू परफॉर्म, जो हम पहले से जानते हैं और से ऑर्डर करते हैं कि परफॉर्म करे, क्या इससे आगे जा सकता है, एंड लर्न इट ऑन हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क, और खुद सीख सके कि कोई पर्टिकुलर टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो कैसे परफॉर्म करने है. Could a computer surprise us rather than programmers crafting data processing rules by hand? क्या वो हमें सरप्राइज कर सकता है बजाय इसके कि प्रोग्रामर जो है वो हाथ से लिखे हुए if then else रूल लगा दे. Could a computer automatically learn these rules by looking at data? अब ऐसा आ रहा है, क्या कंप्यूटर खुद लर्न कर सकेगा रूल्स को डेटा को देखकर. This question opens the door to a new programming paradigm. In classical programming, the paradigm of symbolic AI, humans input rules a program and data to be processed according to these rules. Un rules ke mutabik data ke answer nikalte the and come out answer. With machine learning, humans input data as well as answer expected from the data and the outcomes, the rule, the, these rules can be applied to a new data producing original answer. अब ये पूरी बात इन दो फिगर्स के अंदर आपको समझ में आ रही है कि जो क्लासिकल अप्रोच थी या जो आज तक आप करते रहे वो प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो ये वाली रूल्स डेटा क्या करते थे हम या अभी तक क्या करते रहे उसके अंदर कि हम अपनी कंडीशंस बताते थे और कंडीशन के साथ डेटा देते हैं और उन कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाता है. ऐसा होता है या नहीं होता जी? उस यानी सर उस पर कैलकुलेशन करके वो आंसर दे देता है. हम कैलकुलेशन करके आंसर देता बिल्कुल ऐसे ही. तो ये अभी हमारी अप्रोच होती है जो जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी तक काम करती रही एआई से पहले या अभी तक आप करते रहेंगे. आप एआई प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रहे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जो काम करते रहे वो ये होता रहा. तो भाई इफ देन एलस इफ देन एलस इफ देन एलस ये लगाया जाए यहाँ से ये डेटा है इसको या तुम्हें करके ये दिखा दें. लेकिन अब से आप काम क्या करेंगे, आप अब से आप क्लासिकल पैराडाइम से नहीं चलेंगे, अब आप मशीन लर्निंग अप्रोच की तरफ आएंगे. और मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होगा, अभी आप डेटा अपनी मशीन को देंगे और मशीन को ये भी बताएंगे कि भाई ये डेटा क्या है और मशीन आपको जो है ना वो रूल निकाल के देगी. अच्छा देखने में ये बड़ी सीधी सी बात लग रही है, ये क्या बात है. अच्छा हम उसी एग्जांपल से चलते हैं. इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये हो रहा है कि भाई मैंने कंडीशन बता दी और डाटा दे दिया, उसने ग्रेड निकाल के दे दिया. कंडीशन ये थी कि भाई ये मार्क्स होंगे, ये ग्रेड होगा. मैंने जैसे बताया मार्क्स ये है, उसने बताया ग्रेड ये. ओके सही है, वेरी गुड. अब क्या हो रहा है, अब मैं कोई कंडीशन नहीं बता रहा, अब मैं उसे सिर्फ बता रहा हूं कि भाई ये मार्क्स है और ये ग्रेड है, ये मार्क्स है और ये ग्रेड है. ठीक है, अब तुम खुद ही लर्न करो कि भाई किन मार्क्स पे क्या कुछ हो रहा है, रूल निकालो. अब इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, सब लोग साथ रहिएगा. सर हर मॉडल की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी में कार्स को जो है वो आपस में डिस्टिंग्विश कराना है किसी मॉडल से, तो उसमें हमारे डेटा पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा कार्स के ऊपर मॉडल की ट्रेनिंग करवाएंगे. ठीक है, सवाल क्या है इसमें आपका? सर मैं ये पूछ रही थी कि ये मॉडल टू मॉडल जब वो वेरी करता है कि हम एक मॉडल के अंदर जो है वो 5 कार्स से भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और एक के अंदर हमें 1000 भी करवानी पड़ सकती है. जितनी ज्यादा जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ट्रेनिंग अच्छी होगी. ओके सर. अच्छा इस वक्त जो है ना मैं आपके सामने दो काम कर रहा हूँ. एक आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच. ठीक है, और एक आपके सामने रख रहा हूँ मैं मॉडर्न अप्रोच. सर एक बात पूछनी है. जी बिल्कुल पूछे. सर ये आपने क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या करा कि आपने इधर रूल्स भी लगाया और डाटा दिया, उसने आपको आंसर दे दिया. आंसर ये था कि 2+4 है, हमने डाटा 2+4 दिया, उसके साथ हमने इसकी कंडीशन भी लगा दी. ठीक है, तो उसने हमें आंसर दे दिया 6 है. ठीक है सर, मशीन लर्निंग अप्रोच के अंदर क्या हो रहा है सर कि
हमने डाटा दिया है और उसको आंसर दिया है, उसने हमें कंडीशन दे दी, तो सर ये कंडीशन हमें पहले से पता भी तो होनी चाहिए कि सही हो रही, सही कंडीशन दे रहा है या गलत दे रहा है। आ रहा हूँ ना उसी तरफ, आ रहा हूँ। मेरी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं आपके सामने काम करा भी भूल जाए मशीन लर्निंग को और इसको सारी चीजों। अब मेरे पास क्या है, मैं आपको जो है ना इक्वेशन दे रहा हूं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन जो है ना वो ये है कि इक्वेशन ये, अब आपके पास जो है ना एक एक्स है, उसके अंदर वैल्यूज है, ठीक है, और ये वाई है। अब मुझे बताएं कि भाई वाई का आंसर क्या होगा? क्योंकि हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 = 10 हो जाएगा, पहले केस पे 13, ठीक है, 10 हो गया, 13 हो जाएगा, 13 हो गया, 31 हो जाएगा, 4, 31 हो जाएगा, 4, और क्या हो जाएगा, 4 आएगा सर, ठीक है, 4 yes. लिखा है सर, 0 से मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ तो सही है ना, 0 से होगा 3 हो जाएगा, 4 बचा ना, सही तो है। अच्छा अब हमने क्या किया, अब देखो यहां पर क्या है, ये है वो रूल, ठीक है, और ये है वो डेटा, ठीक है, मैं डेटा दे रहा हूं किसको, रूल को, रूल में जो क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। बात समझ में आती? यस सर। Yes. इधर आ जाए। yes, ये मैंने रूल भी बता दिया उसे और मैंने क्या बता दिया उसे, डाटा भी दे दिया उसको, वो मुझे क्या दे रहा है, और सिंपल आंसर दे रहा है सर, हमें आंसर दे रहा है, ठीक है, आंसर दे रहा है मुझे। अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि रूल मुझे पहले से क्या है मालूम है, मैंने रूल जो है वो क्या कर दिया, क्राफ्ट कर दिया, जो मैं बात कर रहा था, रूल हमने डिजाइन करके सॉफ्टवेयर बना के प्रोग्राम बना के जो है वो क्या कर दिया, डाल दिया है, फंक्शन बना के डाल दिया, फंक्शन को वैल्यू दे रहा हूं, फंक्शन मुझे क्या करके दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ओके हो गया। अच्छा अब मैं यहां पे आ रहा हूं आपके पास कि मेरे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई, मैंने यहां पे वैल्यू लिखी 2, 10, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, तो मैं लिखता हूं मेरे पास फॉर एग्जांपल, एक मिनट,
अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें हैं, ये एक्स है और ये वाई, यानी मैं इसको कह रहा हूं अपना इनपुट है और ये मेरे पास क्या है आउटपुट है। जब मैं वन इनपुट दे रहा हूं तो मेरे पास जो है, मैं इसको यूं लिखता हूं, वन इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट जो है मेरे पास 5 है। अच्छा मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना, चलो ठीक है यहीं सही कर दो, 3 दे रहा हूं तो मेरे पास 9 है, 0 दे रहा हूं तो सॉरी 0 दे रहा हूं तो मेरे पास 3 है, 4 दे रहा हूं तो मेरे पास 11 है, ठीक है। अच्छा 15 ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है इक्वेशन क्या होगी? 2x+3 2x+3 ठीक है। अच्छा सब एग्री है, इक्वेशन यही होगी? यस सर यही होगी। यस सर 0, 3 और 1, 5 से ऑब्वियस था। एग्री क्यों है सर? 0, 3 और 1, 5 वाले डेटा से ऑब्वियस था, 3, 9 और 4, 1 वाले ने कंफर्म कर दिया। कंफर्म कर दिया आपने, एग्री है क्या मतलब ये सोच सर? 0, 3 से ऑब्वियस था कि +3 हो रहा है और 1, 5 वाले ने। ठीक है। अच्छा अब देखें, अब इस पूरे प्रोसेस में जो है ना, इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त जो हमारा मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर था वो आप लोग थे, ठीक है। ये हमारी क्लासिकल अप्रोच थी जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, डेटा और रूल दो चीजें हमारे पास थी, हम डेटा रूल को सप्लाई कर रहे थे और हमें आउटपुट जो है वो मिल रहा था, ठीक है। और हमारी मशीन लर्निंग अप्रोच में क्या होता है कि हम डेटा और आंसर दोनों चीजें जो है वो अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बता रहे होते हैं कि भाई ये डेटा है तो उसका ये आंसर है, ये डेटा है तो उसका ये आंसर है। तो ये जब हम उसको बता रहे होते हैं तो ये एक्चुअली अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है, उस डेटा और उस आंसर के दरमियान रिलेशनशिप को, मैथमेटिकल रिलेशनशिप को या स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, जो इस केस में आपने किया। मैंने आपको बताया इनपुट 1 है आउटपुट 5 है। अच्छा क्योंकि अभी एक ही डेटा सप्लाई किया था, अभी दूसरा डेटा नहीं आया था, अभी आपकी लर्निंग हुई थोड़ी सी कि यार 1 इनपुट है 5 आउटपुट है ओके, लेकिन अभी आपको रूल्स, अभी आपको समझ नहीं आया कि पैटर्न है क्या। जैसा कि यहां पर हो रहा है, ये डेटा लेता रहेगा, आंसर देखता रहेगा, जैसे जितने ज्यादा इसको आप इनपुट दे देंगे इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मैंने दूसरा बताया आपको कि भाई 3 है और 9 है, मैंने कहा 1 है और 5 है, 3 है, कुछ आपको, आपने जो है ना ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। फिर मैंने आपको 0 और 3 बताया, जैसे 0 और 3 बताया आपके दिमाग ने एक पैटर्न जो है वो खुद ही बना लिया। अच्छा जब आपके दिमाग ने पैटर्न बना लिया तो आपने फौरन क्या किया होगा, फौरन ऊपर वाले डेटा को क्या किया होगा, चेक किया होगा, ऐसे किया था जी। अच्छा इसको भी चेक किया आपने, अगर बिल्कुल सही बैठ गया इसका मतलब ये पॉसिबल रूल है। फिर मैंने आपको एक और दिया, आपने इसको भी टेस्ट किया और ये भी क्या हो गया, उस रूल पर, उस इक्वेशन पे फिट हो गया जो आपके दिमाग ने सोच कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ डेटा पे क्या किया, अपने दिमाग को ट्रेन किया और जो रूल आपने बनाया है वो सही है या गलत है उस रूल को आपने दोबारा डेटा से क्या कर लिया,
टेस्ट भी कर लिए, ऐसी बात है जी सर। टेस्ट करने के बाद आपके पास आउटपुट के तौर पे एक रूल जो है वो जनरेट हो गया है। अब क्योंकि रूल जनरेट हो गया है तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्रिडिक्ट करो, अगर वैल्यू जो है वो माइनस फाइव होगी तो अब मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि भाई आउटपुट क्या होगा। कर सकते हैं? माइनस सेवन सर होगी। हाँ भाई सब बोले माइनस सेवन। माइनस सेवन ठीक है ना। अच्छा आपने जब आपने ट्रेनिंग ले ली, अच्छा आपने आपको म्यूट कर लिया करें, शोर आना शुरू हो जाता है, जब बोलना हो फौरन अनम्यूट करें, बोलते फौरन म्यूट कर दिया करें। अच्छा अब माइनस फाइव जो है मेरा इनपुट है और मेरे पास जो आउटपुट है आपने बोला वो माइनस सेवन है। अच्छा अब क्या मैं कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उस डेटा के मुताबिक? मुझे इनपुट दिया तो मैं आउटपुट बता सकता हूँ? हाँ जी वैल्यू देंगे। अब जाहिर है अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू दे दूं, छोटी से छोटी वैल्यू दे दूं, मेरे लिए अब कोई मसला नहीं है सर। नहीं है प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट करना मसला नहीं है। यही अप्रोच जो है वो मशीन लर्निंग पैराडाइम की है। मैंने आपको क्या यहाँ मैंने बताया कि इफ इनपुट आई वन हो तो आउटपुट फाइव हो, इफ इनपुट थ्री हो तो आउटपुट नाइन हो? नहीं। जब आपको डेटा फीड किया गया और डेटा पे आपने अपने आप को ट्रेन किया तो आपने खुद ही उस पैटर्न को क्या कर लिया, उसमें से लर्न कर लिया। जब उस पैटर्न को आपने लर्न कर लिया तो अब आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप उस डेटा के मुतालिक कुछ भी प्रिडिक्शन जो है वो दे सकते हैं क्योंकि आपके पास एक रूल आ चुका है इस केस में जो 100% सही है। यही अप्रोच जो है वो किसकी है, डेटा और आंसर की है। कि मशीन लर्निंग फिर क्या निकाल के रख लेती है अपने पास, रूल निकाल के रख लेती है और क्या करती रहती है, वो प्रिडिक्ट करती रहती है। बात समझ में आई है? यस सर। मैं एक कॉल बज जा रही है बाहर से, जरा सुन लो जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं अभी क्लास में हूँ, तकरीबन मैं 1:30 बजे तक फ्री होऊंगा, तो आप प्लीज उसको कॉल कर ले। अच्छा जी, तो अभी ये पूरा पैराडाइम समझ में आ गया आपको कि मशीन लर्निंग जो है वो किस तरह काम कर रही होगी? कोई सवाल इसमें है तो पूछिए। सर ह्यूमन ब्रेन तो डेफिनेटली हमने सोचा उस चीज को और किया, अब ये अप्रोच मशीन में कैसे, वो इस इक्वेशन को किस तरह से डिडक्ट करेगी? इक्वेशन पॉसिबल है जिसके ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कैसे डिफाइन करेंगे? सारा मैथमेटिकल है, जितना भी काम होगा चाहे वॉइस पर हो, चाहे इमेज पर हो, चाहे न्यूमेरिक डेटा पर हो, ठीक है, जितना भी काम होगा सारा का सारा मैथमेटिकल होगा, ठीक है ना। लेकिन वो पैटर्न उसको लर्न करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है। इतने स्ट्रांग एल्गोरिदम्स हैं डीप लर्निंग के अंदर कि वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे चले या कोई बात इसमें पूछनी है? सर ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम जिस तरह हमने y = mx + c एक फंक्शन लिया है तो अगर फंक्शन चेंज हो जाए फिर फंक्शन क्या हो जाए? दोबारा बोले फंक्शन y = 2x + 3 हमने सोच लिया ना, मतलब ये हम mx + c इक्वेशन ले रहे हैं, अगर हम ये फंक्शन चेंज कर दें? नहीं देखो फंक्शन ये जो हमने आउटपुट निकाला उस फंक्शन की बात करो, इसकी बात करो, मतलब इस तरह ले लेना सर। खास कर आपने मुझे एक टेस्ट दिया है उसमें मेरे 4 नंबर आए हैं, आप मुझे क्या है दोबारा तैयार करो, मैंने वही टेस्ट दोबारा तैयार किए मेरे 6 नंबर आ गए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने दोबारा जो मुझे टेस्ट लेंगे वो थोड़ा सा चेंज करके ले लें तो फिर तो मेरे वो नंबर नहीं आएंगे? नहीं 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 देखो, लेकिन टेस्ट
जिस सब्जेक्ट का होगा वो सब्जेक्ट तो यही होगा ना। देखो अभी मैंने आप जब मैंने तैयारी नहीं मैं समझ गया इनका सवाल ये है कि भाई ये एक बुक है जिससे तैयारी कर ली है, अब मैंने बुक से एक सवाल दिया वो इन्होंने गलत जवाब दे दिया, ठीक है ये दोबारा गए इन्होंने यहाँ ट्रेनिंग करी, इक्वेशन अपनी अपडेट करी कि जवाब गलत क्यों हो रहा है, इक्वेशन इनकी क्या होगी डेटा पे और एक्यूरेट हो गई कि वो आंसर जो है जो गलत दे रहे थे। अब मैं इनको अगर वही वाला सवाल दूंगा तो ये फौरन बता देंगे, अगर मैं इनको नया भी दूंगा तो तब भी तो उसी इक्वेशन से रख के बताएंगे ना, डेटा तो वही रहेगा ना। जी जी बोले सर, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर, मतलब ये जो हम डाटा दे रहे हैं इसका सॉल्यूशन एक से ज्यादा तरह से पॉसिबल है सर, जैसे ग्रेडिंग है 60 आ गया तो फिर क्या होगा और 80 आ गया तो जैसे नंबर ऑफ सेट ऑफ रूल्स, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल कि जो हमारा मॉडल है कि वो हमें मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स जो है ना प्रोड्यूस करके दे दे कि ओके अगर इट विल फॉल ऑन दिस वन तो दिस विल बी द आंसर, इफ इट विल फॉल ऑन दिस वन तो दिस विल बी द आंसर, जैसे 60 आया तो यही तो है, तो यही तो है, इधर देखे ना इधर देखे मैं मेरा अगर इन दिस केस अगर मेरा इनपुट जो है वो ये होता कि भाई 90 प्लस है तो ए स्टार की रेटिंग है, ठीक है 80 प्लस है तो जी ए है, ठीक है और 70 प्लस है तो जी बी प्लस है, बी स्टार है, ठीक है और 60 प्लस है तो जी आपके पास जो है वो बी है, ठीक है फिर इसी तरह से सी 50 पे जो है वो क्या है सी है, ठीक है और 50 से फिर नीचे जितना भी है ठीक है ना उस पे क्या है भाई आपके पास फेल है, फॉर एग्जाम्पल आ रही बस सुनिए। तो ये अब मुख्तलिफ डेटा इस किस्म का जब आता रहेगा ठीक है ये तो बड़ी डायरेक्ट लर्निंग है ना, ये तो बड़ी सिंपल सा रूल है, इस पे तो कोई इसको प्रॉब्लम होगी नहीं, सिंपल मैपिंग है आ रही बस सुनिए। तो मल्टीपल चीजों पे भी वो आउटपुट जो है ना वो दे देगा क्योंकि अभी हमने यहां पर इक्वेशन लीनियरली है तो हम इसको लीनियरली जो है ना वो देख रहे हैं, ठीक है बात समझ में आ रही है, अभी कुछ और सवाल इसमें करना चाहें तो बताएं। अरे सर समझ ठीक है अच्छा क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी लीनियर थी तो हमारे पास जो है ना वो जवाब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास बड़ी सॉलिड इक्वेशन आ गई, लेकिन बास केसेस में ऐसा होगा कि हमारा जवाब जैसे 1.5 है मैं जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ उसमें 5 से कम या ज्यादा आ रहा होगा, थोड़ा एरर आ रहा होगा इक्वेशन में, ठीक है तो एक्यूरेसी बिल्कुल 100% जो है वो नहीं आ रही होगी, 90s में आ रही होगी इस तरह आ रही होगी, तो वो भी ये भी सिनेरियो होता है क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज आ गई है, अगर मैं यहाँ 1 के बजाय जो है ना वो आप 6 कर दूं या 5.5 कर दूं, 9 को थोड़ा आगे पीछे कर दूं तो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो नहीं बन सकेगी, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके देखेंगे इंशाल्लाह सर। अभी मैं जी जी सर यहाँ पे हमने 1.5 दिया 3.9 दिया तो मॉडल ट्रेन वगैरह करने के लिए एक ही या रूल निकालने के लिए एक ही इनपुट और आउटपुट देना काफी है या मल्टीपल इनपुट और आउटपुट देना जरूरी होता है? डिपेंड करता है कि आप मॉडल कैसा ट्रेन कर रहे हैं, अगर आप मल्टी आउटपुट का मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो फिर आपको मल्टी आउटपुट का डाटा देना पड़ेगा, अगर आप सिंगल आउटपुट का डाटा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो सिंगल आउटपुट का डाटा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी ट्रेनिंग सिंगल पे करें उसको बोले आउटपुट मल्टीपल में दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ठीक। अच्छा जी अच्छा मैं अब ये जो काम अभी हमने एक्सेल की शीट पे किया है ना इस काम को मैं आपको करके दिखाता हूं मशीन लर्निंग अप्रोच से और उसमें आपको जो है यही इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेस बड़ी जबरदस्त जो है वो तैयार हो जाएगी, देख लो एग्जाम के लिए हाँ बड़ी है चलिए एग्जाम
से उठा लेता हूँ, इधर होगी पेस्ट मेरी बैठक पे। ये सिर्फ एक रिपीटिंग, ये भी तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉलो करना है गिटहब पेज, दो हैं आपके? मैंने फॉलो करने के लिए एक लिंक दिया हुआ, उसको फॉलो करना है जहाँ पे कोर्स मटेरियल वगैरह है। मैसेज में क्लास थी तो मतलब उसमें थी तो लोगों ने आपका अपन ये नर्सिंग से जो स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो कौन सा वाला, वो मैंने नहीं नहीं ये वाला नहीं, जो भी मैंने यहाँ पर यूज किया वो वाला नहीं, जो मैंने नासिर हुसैन वाला दिया उसको कोर्स मटेरियल वगैरह वहां पर है। सर एक क्वेश्चन छोटा सा, ये जो एल्गोरिथम्स होंगे इनको जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं जैसे जेंगो हम यूज करते हैं, हाँ तो उसके साथ भी हम इनको यूज कर सकेंगे? हाँ तो ये जो भी आप मॉडल बनाएंगे वो कहीं डिप्लॉय तो करेंगे ना? जी बिल्कुल, डिप्लॉय करेंगे तो वो उसके लिए जो है आपको करना पड़ेगा ना? ये मैं अपने पास जो है यहाँ पे रिसोर्स जो हमारा है सर, क्लोन नहीं करेंगे इसे? मैंने अभी केस चला, सॉरी मुझे क्लोन ही करना था, मैंने कुछ चला दिया, ये कह रहा हूँ एमटी क्यों आ रहा है। के अंदर मैंने यही काम जो है ना दोनों अप्रोच से जो है वो किया हुआ है। ये वाला काम देखने पहले कि अगर मुझे जो है वो ये करना पड़ जाता तो क्या होता, मैंने कुछ ये चीजें मैटप्लॉटलिब नंपाई पांडास से वाकिफ है, डेटा सेट लोड किया, ठीक है फाइल नहीं मिल रही इसको, अभी फाइल डेटा के अंदर पड़ी होगी, अपलोड कर लेता हूँ यहाँ मेरी चाहिए। अच्छा लोड किया मैंने इसको जी में, रिग्रेशन डेटा वेट और हाइट का डेटा ले लिया मैंने, अच्छा अब मेरे पास ये डेटा जो है वो आ गया। अच्छा भाई रूट पे पड़ा हुआ है तो मुझे जरूरत नहीं है, पूरा पास देने की आ गया, ठीक है। अब सिंपली मेरे पास क्या है, ये मैंने हेड किया, मेरे पास क्या डेटा है अभी, जेंडर है, हाइट और वेट है। अच्छा एक वेरिएबल जो है मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक वेरिएबल जो है वो वाई हो जाएगा,
ठीक है, समझिएगा इसको। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देख लिया, ये सारा काम आप पांडास में कर चुके हैं। मैंने इस डाटा को स्कैटर प्लॉट किया, एक्स पे हाइट है, वाई पे वेट है, मैंने प्लॉट करने के बाद ये प्लॉट आ गया। ठीक है, कितनी बात सबको समझ में आ रही? यस सर। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैं दोबारा यहाँ क्लियर आउटपुट, अब ये मेरा डेटा प्लॉट किया है। अब चूंकि ये बिल्कुल लीनियर नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पुरानी वाली इक्वेशन लिखा था, ये बिल्कुल एक लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। यानी अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जो चीज मैंने खुद डेटा बना के वैल्यू डाल के बनाई थी, उसके अंदर ग्राफ जो है ना, ये पॉइंट जो है ना बिल्कुल यूं होंगे, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये बिल्कुल लाइन जो है वो इसको फॉलो करती हुई यूं बन जाएगी, पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट, तो बिल्कुल ही 100% आंसर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि मेरा डाटा जो है वो क्या है, जरा डिस्पर्स्ड है, जरा डिस्पर्स्ड, तो मुझे एक बेस्ट सूटेबल लाइन जो है वो क्या करनी होगी, निकालनी पड़ेगी, वो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कि 100% तो वो जाहिर नहीं कर रही होगी, लेकिन ज्यादातर पॉइंट जो है ना उससे सेटिस्फाई हो रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जी सर। अच्छा, जिसको ना समझ में आए फॉरन पूछ ले कि भाई ये बात नहीं समझ में आ रही। तो मुझे बेसिकली जब मैं वो इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो वो लाइन निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं वो लाइन निकाल रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर फिट करनी है। तो आपके ख्याल में वो बेस्ट लाइन जो है वो कहाँ पर होगी? सेंटर में से गुजरेगी सारे डेटा के। ठीक है, सेंटर में से गुजरेगी भाई, क्या वो लाइन यूं हो सकती है? जिसपे मैक्सिमम डाटा हो रहा है, जिसपे मैक्सिमम डाटा हो रहा है, तो ये लाइन जो है वो ये मेरे ख्याल में यू हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने आप रेफरेंस के लिए, ओरिजिनल नहीं है, रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर खुद से जो है ना स्कैटर प्लॉट के ऊपर एक लाइन जो है ना ड्रॉ करा ली। मैंने कभी 55 से लेके 78 तक जो है ना वो दो पॉइंट दे दिए, 75 से एक येलो कलर की लाइन बता दो, उसकी विड्थ जो है ना इतनी है। तो मैंने इसको जनरेट कराया, तो उसने क्या किया भाई, अच्छा ये लाइन जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने खुद जैसे अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा था ना, वैसे ही मैंने ड्रॉ करा दी इसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने खुद ड्रॉ करा दी, तो ये बताने के लिए कि अगर मैं यहां तक अचीव कर लेता हूं, तो मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट इक्वेशन होगी जो हमारी प्रिडिक्टेड इक्वेशन होगी इसकी तरह। ये तो 100% वाली है ना, बिल्कुल ये, हाँ ये 100% नहीं होगी, लेकिन बेस्ट होगी, जिसपे तकरीबन सारे पॉइंट जो है ना करीब करीब काम कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने क्या किया अभी, एक मॉडल बनाया, ये लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई, फंक्शन सबको पढ़े हुए, सबने पढ़े हुए, इसके अंदर मैंने लाइन की इक्वेशन होती है क्या है सबको मालूम है, y is equal to a लाइन की इक्वेशन, लाइन की, हाँ लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस बी या सी, वॉट एवर जो भी आप इंटरसेप्ट जो है वो बना, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये इक्वेशन की लाइन लिखी, मैंने कहा अभी x हमारा इनपुट वेरिएबल है, w यानी m हमारा जो है वो क्या है, स्लोप है, और b हमारा जो है वो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ये दोनों वैल्यूज फंक्शन में आएंगी, तीनों वैल्यूज फंक्शन में आएंगी और यहां पर फिट होंगी mx प्लस b में, और y जो है वो हमारी एक पॉइंट जो है वो बनेगा, और रिटर्न में y पॉइंट जो आ जाएगा। इस तरह y मुख्तलिफ y जनरेट तो करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने y जनरेट किए थे, x इनपुट दिया, y जनरेट किए। ठीक है, आ रही बात समझ में? y इक्वल टू a प्लस bx, ये भी लिख सकते हैं हम इक्वेशन इसमें, कहाँ पर
ये लिखा ना y is equal to a plus px है, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें। हाँ वो तो आगे पीछे कर लो, a plus b कर लो, mx कर लो या b plus, इसको इधर कर लो प्लस ही हो रहा है ना वो तो, that's not an issue। सर हम यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे क्या? असल तो गेम ही स्लोप का है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। okay. असल गेम किसका है? स्लोप का है। क्योंकि स्लोप का क्यों है? क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों दूंगा ना ट्रेनिंग के दौरान, एक्स भी दूंगा और वाई भी दूंगा, यही तो हमने बात करी यहाँ पर। कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटा दूंगा इनपुट और वाई दूंगा आउटपुट, एक्स और वाई दोनों दूंगा, वो इसको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन में मिसिंग क्या है? वो ही स्लोप है। इक्वेशन में दो चीजें मिसिंग है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट दो चीजें मिसिंग है। अच्छा अब जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं वहां से इनपुट डेटा एक्स भेजूंगा, यानी मैं अपनी हाइट भेजूंगा, ठीक है, हाइट भेजूंगा और वो क्या निकाल के देगा मुझे, वाई निकाल के देगा, यानी कि मेरा वेट निकाल के देगा, हाइट इतनी है तो वेट इतना हो, ठीक है। चलाओ इस फंक्शन को, देखिएगा कि मैंने चलाया। अच्छा हर दफा जब वो आंसर निकालेगा तो मैं उस आंसर को ओरिजिनल ओरिजिनल वेट के साथ क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो वो उससे कितना दूर है, इसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट मेरे कॉस्ट यहाँ पे डब्ल्यू और बी तो लिख दिया ना आपने यहाँ पर। जी सर, डब्ल्यू और बी जब आप फंक्शन चला रहे हैं तो डब्ल्यू भी मिसिंग है, बी भी मिसिंग है। नहीं अभी मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया ना, वो तो डिफॉल्ट वाली लिखी गई। जी सर, आप कॉस्ट को जो है वो किससे, कौन से आंसर को आप कॉस्ट से कंपेयर करवाएंगे? एक आंसर जो है वो ये प्रेडिक्ट करके दे रहा है मुझे, ठीक है, और एक वाई जो है वो ओरिजिनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा जो वेट है। सर ये जो आपने फंक्शन बनाया है जो मतलब पहला हमारा आंसर प्रेडिक्ट करके दे रहा है वाई का, ये तो हमेशा ही हमें जीरो देगा, क्योंकि इसमें मतलब जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी जीरो से वो जीरो हो जाएगी और फिर आगे मतलब वो मुझे आगे चलने देंगे ना, तो मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। डब्ल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर इसकी जगह कोई वैल्यू आएगी तो वही नॉन जीरो। अब देखें अब हमने क्या किया, मैंने एक मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेशन बनाया, उसके पास वाई की ट्रू वैल्यू आएगी जो ओरिजिनल डेटा सेट में है, और एक वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी जो कि यहाँ से प्रिडिक्ट होकर आएगी, और फिर इन दोनों को डिफरेंस निकाल के स्क्वायर ले लिया ताकि मीन स्क्वायर बन जाए, और सारी जितना भी डेटा होगा उन सबका मीन निकाल के स्क्वायर्ड एरर जो है एवरेज आपके पास आ जाएगा। ये समझ में आता है फंक्शन सबको? जी। अच्छा ये मैंने इसको चला दिया। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं, एक्स के कॉलम, एक्स के अंदर क्या वैल्यू डाल लू, डेटा फ्रेम में जाओ, हाइट का कॉलम उठाओ, उसकी सारी वैल्यूज किसमें डाल दो, एक्स, हाइट मेरा इनपुट होगी और वेट की सारी वैल्यूज जो वाई ट्रू में डाल दो, ये मेरी ट्रू वैल्यूज हो गई जो ये मैंने यहां रखी हुई। बात समझ में आ गई? और प्रेडिक्टेड जो है वो यहाँ से आ गई। अच्छा जी ये हो गई बात, ये हो गई कि ये डाटा भी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइन का फंक्शन कॉल किया। ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? ये लाइन का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, जिसको मैंने इनपुट में अभी क्या दिया है, एक्स दिया, यानी सारी हाइट दे दी। कितनी हाइट है जो मेरे पास, ये 10,000 लोगों का डाटा है, नंबर ऑफ हाइट सारी दे दी, ये सारी की सारी जो है हाइट बारी बारी यहां जाती रहेंगी यहां पर एक्स में, और डब्ल्यू और बी से मल्टीप्लाई डिवाइड होके ये वाई प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो जितने एक्स होंगे उतने ही क्या निकलाएंगे मेरे पास, वाई निकलाएंगे। अब वो जितने एक्स और वाई हैं वो सारे के सारे यहां पर क्या आ जाएंगे, जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा इसका क्या स्क्वायर्ड एरर, तो वाई ट्रू कॉस्ट फंक्शन जो है ये स्टैट्स में जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं ये वो है। अभी अभी थोड़ा सा रुक जाए, वो बात कहीं और चली जाएगी, फिर ये वाली बात जो है ना वो पीछे रह जाएगी। सर हर दफा वाई जीरो आ रहा होगा? अभी अभी चलने तो दो, अभी चलने तो दो, अभी चलने तो दो, मैं आपसे काम करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा आपका बिल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बिल्ट अप हो जाएगा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, अब इसके पास सारे एक्स जाएंगे सारी वाई आएंगे, ठीक है,
जो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लॉट करवाया, स्कैटर प्लॉट, डेटा है मेरा x और y, ठीक है, टाइटल ये है, ये वाली लाइन मेरी पुरानी वाली लाइन है जो मैंने खुद बनाई थी, ठीक है, जो मैंने खुद बनाई थी। अब मैं एक लाइन यहां पर और बना रहा हूं, जो x मैंने सप्लाई किया है उसकी मदद से, और एक y जो उसने प्रिडिक्ट किया है उसकी मदद से रेड लाइन बना रहा हूं मैं, जिसकी विड्थ जो है वो 3 है। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूं। मैंने इसको चलाया, जब मैंने इसको चलाया तो ये कह रहा है कि यार आपकी प्रिडिक्टेड लाइन जो है, आपने कहा था यार ये बेस्ट लाइन है, लेकिन अभी आपकी लाइन कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि वाई जीरो, क्योंकि इक्वेशन में डब्ल्यू और बी जो जीरो है, वो पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जिस तरह आपने यहाँ पे किया था ना, आपने यहाँ पे अपना दिमाग लगा किया था, खुद ही आपने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे स्लोप जो है वो 2 रखना है और इंटरसेप्ट जो 3 रखना है, खुद ही किया था आपने? जी सर जी। अब आपको यहाँ भी करना है, अब आपको यहाँ भी करना है, लेकिन लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कोई 10,000 के करीब हाइट और वेट है। आसान नहीं है भाई। अब आपके लिए आसान, तो खैर आसान का वर्ड भी बहुत आसान है। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली बेसिकली हम छेड़छाड़ किसमें कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास जो एम और बी है, क्या है बेसिकली जो चीज हमें एडजस्ट करनी है वो क्या है, एम और इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट है। अब मेरी बात गौर से सुने, यही जो एम और बी है, यही मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रम्प पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रम्प पूरी मशीन लर्निंग। अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, पूरी मशीन लर्निंग समझ में आ गई, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस बी, डोनाल्ड ट्रम्प जी जी, ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस बी है, यही पूरी मशीन लर्निंग है। अब देख ले वो कैसे। अब आपने हर दफा सिर्फ क्या करने, ये 2 पैरामीटर्स जो है उनको एडजस्ट करना। अच्छा, मैंने डिफॉल्ट में 0 लिखा, अब मैं यहाँ से फंक्शन कॉल करते वक्त मैं अपनी लाइन को एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऊपर लेके जाना है ताकि इक्वेशन मेरी सही बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी क्या है कि भाई मैंने क्या कहा, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ऐसी सूरत में पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब मुझे सही आउटपुट लाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये वैल्यूज क्या करूंगा, अभी 1 रख के चेक करूंगा, कभी यहाँ 1 रख के चेक करूंगा कि मेरा 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अभी यहाँ पर अच्छा 2 रख के चेक करता हूँ, 2 रखता हूँ तो 2x प्लस 1 का 2 3 आ रहा है, 5 लाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा 2 2 1 2 2 4 हो गया, नहीं भाई यहाँ 3 होना चाहिए। लो जी, ये इक्वेशन पूरी सेट हो गई जी। अच्छा, ये आपने मैनुअल काम किया, अब मैं यही काम यहाँ पे मैनुअल कर रहा हूँ, तो मुझे लाइन को ऊपर उठाना है, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, मैं भाई यहाँ पे कहता हूँ अभी, अब मैं करता हूँ कि डब्ल्यू की वैल्यू जो है 1 रखता हूँ, B की वैल्यू जो है वो 1 रखता हूँ, ठीक है। ये मैं क्या एडजस्ट कर रहा हूँ, ये मैं यही एडजस्ट कर रहा हूँ, डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और B की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये येलो लाइन है कि मेरी रेड लाइन इस येलो लाइन के ऊपर जो है ना बैठ जाए आके। अच्छा, अब क्या हुआ जी, अब थोड़ी सी लाइन ऊपर हो गई, ठीक है, यानी मेरे रिजल्ट जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं ऐसा करता हूँ W को थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 2 करता हूँ, अब चेक करता हूँ, अब ये इधर निकल, इंटरसेप्ट थोड़ा ऊपर निकल गया। अच्छा, इंटरसेप्ट को नीचे लेकर आना है, मैं क्या करता हूँ जी, -1 करता हूँ। अच्छा जी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी, W को और बढ़ाता हूँ, 4 कर देता हूँ, बहुत ऊपर निकल गया, इंटरसेप्ट को नीचे लाता हूँ, कहता हूँ जी इंटरसेप्ट 2 कर देता हूँ। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आपको कह दूं कि आप इस तरह करते रहें तो आप 1 महीने बाद भी मेरे पास आएंगे, ये लाइन आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 महीने तक आप 24 घंटे भी लगे रहें तो आपसे ये लाइन एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि कभी कोई चीज भाग रही है, कभी कोई चीज भाग रही है। अच्छा, इक्वेशन लीनियर है तो ये हाल है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक
या पॉलिनोमियल डिग्री में इक्वेशन चली जाए तो फिर तो कयामत ही हो जाएगी। ठीक है, अभी सिंगल वेरिएबल की कि एक को एड छेड़ रहा हूँ, एक ही हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तीन चार वेरिएबल होते हैं, तो एक का वेट छेड़ता हूँ, दूसरे का डब्ल्यू बिगड़ जाता है, तीसरे का बिगड़ जाता है, पूरी चेन हिल जाती है एक को हिलाओ। खैर अब क्या किया, अब मैं ये एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ मैंने कहा जी चलो इसको सेवन कर देता हूँ, मुख्तलिफ चीजें ट्राई कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ गई, इसको नीचे लाने के लिए मैं कहता अभी माइनस फाइव कर देता हूँ, डिवाइड लग गया। ठीक है, अब मामला जो है ना वो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है, मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या वैल्यू डालू। अब यही काम मैं नहीं कर पा रहा भाई, मैनुअल मुझसे नहीं हो रहा। अब यही काम जो है ना मैं किससे करता हूँ, मशीन लर्निंग से करता हूँ, डीप लर्निंग से करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आता हूँ यहाँ पर, ये मैंने इसी यही डेटा सेट और यही सारी चीजें मैंने किससे कर ली, कैरस से कर ली। मैंने पूरा लोड किया। अच्छा, अब चूंकि अपडेट हो गया है, पुराना कोड है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा टेंसर फ्लो डॉट कैरस, क्योंकि अब टेंसर फ्लो में एम्बेड हो चुका है। कौन सा आ रहा है टेंसर फ्लो? अच्छा कैपिटल आएगा? हाँ नहीं, कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल ही आएगा। करना चाहिए मुझे, मैंने कल अपडेट चला दी है, इंपोर्ट करें शायद उसे इशू सॉल्व हो जाए। टेंसर फ्लो उसको नहीं मिल रहा। अच्छा एक काम करता हूँ, इधर आ जाता हूँ, कॉल ऐप पे ले जाता हूँ उसको। मैं यहां से जो है वो कॉपी करता हूँ कोलैब के ऊपर। जब कोलैब जो है पीछे चल रहा है, शायद ये बोलेगा टेंसर फ्लो डॉट कैरस। चला सर, असल में मैंने अपने पास जो है ना वो कुछ, मैं अभी क्वार्टर फोर की क्लास से ले रहा हूँ, तो मैंने वो अपने पास जो है ना ये सेज मेकर वगैरह जो है ना जरा ये अमेजोन की सर्विसेज को अपडेट किया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वो मैं कर लूंगा एडजस्ट उसको, अभी टाइम लगाना पड़ेगा उसमें। अच्छा ये मैंने काम किया, अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ से डेटा लेना है। अच्छा डेटा मुझे यहाँ कोलैब पे डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आया फोल्डर अपलोड सैंपल डेटा में पड़ा हुआ कुछ नहीं पड़ा हुआ। चलो यहाँ से अपलोड किया, मैंने अपलोड किया डेटा मेरा है, हाई टेन वेट है, ये भी आप सीख लें कॉलेज पे कैसे डेटा अपलोड करते हैं। ठीक है, ये अब मेरा डेटा जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं अपना ये वाला कोड चलाता हूँ डेटा वाला ये डेटा जो है इंशाल्लाह अपलोड हो गया। ठीक है, चलो ये काम निमट गया, ये काम हो गया। फिर मैंने ये डेटा स्लाइस किया फ्रेम में से, फ्रेम श्रेम तो आपको सबको यूज करना आता है, कोई नई बात नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने वैल्यूज ले ली, फिर हमने क्या किया, फिर मैंने चेक किया कि एक्स कैसा है मेरा, तो भाई मेरा एक्स जो है वो चलो भाई सर ऐसे ही फिर वो कर रहे हैं जी, ये एक्स के एक कॉलम आ रहा है पूरा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने यहां पर क्या किया, अब मैंने वहां अपना मॉडल जो है वो क्या किया था भाई, मैनुअल बनाया हुआ था, कॉस्ट फंक्शन अपना मैनुअल बनाया हुआ था,
ठीक है, मॉडल मैनुअल बनाया तो सब चीजें जो है मैनुअल हो रही थी, प्लॉटिंग स्लॉटिंग हो रही थी। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर केआरएस इस्तेमाल की, एक लाइन का मॉडल है, कितनी लाइन का, सिंगल लाइन का मॉडल, ये मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ। अच्छा पूरी बुक वहां इम्पोर्ट करा सकते हो, मैंने जान के नहीं कराई, चलो नए सिरे से लिखेंगे। ये मॉडल मैंने बना लिया जी। ओके हो गया, मॉडल में कोई एरर नहीं है। मॉडल की समरी चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर समरी जो है वो चेक कर सकता हूँ, ये बता देगा मुझे सिंगल लेयर मॉडल है, ठीक है। टोटल पैरामीटर चेक करते हैं, टोटल पैरामीटर्स कितने हैं इसके अंदर, दो हैं, कौन कौन से, अभी मैंने बताया था W और B, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट, हाँ, अगर मैं और लेयर लगा दूंगा तो पैरामीटर जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब मैंने मॉडल की कंपाइलेशन की और उसको कंपाइलेशन बताते हुए जो है ना मैंने बताया कि मेरा लॉस फंक्शन यानी कॉस्ट फंक्शन जो है मेरा क्या होगा, ये मीन स्क्वायर एरर होगा, और एक ऑप्टिमाइजर होता है, ये भी हम बाद में बात करेंगे व्हाट इज ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर भी मैंने इसको यहां दे दिया, और मैंने लॉस फंक्शन भी अपना, कॉस्ट फंक्शन भी मैंने अब इसको अपना नहीं बनाया, उसका नाम बता दिया, उसने लाइब्रेरी से खुद ही उठा लिया। कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद मैंने अब मॉडल को डाटा देना है फिट के थ्रू, ठीक है। ये मैंने फिट के थ्रू डाटा दिया, एक्स मेरा इनपुट है, वाई थ्रू मेरी वैल्यूज है, इनपुट और आउटपुट दोनों जा रहे हैं। मैंने डेटा को कितनी दफा ट्रेनिंग में चला, डेटा को ट्रेन कराना है, पहले एक बार में पूरा डेटा क्या होगा गुजरेगा, फिर तीसरी बार दोबारा चाले अंदर से गुजारेगा ताकि उसकी पैटर्न को वो लगने लगना शुरू हुआ। ईपॉक चल रहा है, पहली दफा जब उसने डेटा को देखा होगा, ईपॉक जो है वो आइट्रेशन मतलब मॉडल है तो नहीं, अभी क्या हुआ कि 40 लेयर नहीं, ये सुन ले मेरी, सुन ले मेरी, सुन ले, ये डेटा जो है सारा का सारा एक बार मॉडल से गुजरा पूरा, तो मॉडल को कुछ समझ में नहीं आया डिफरेंस कितना आ रहा था, 7-6-4 जैसे हमारी लाइन बिल्कुल नीचे आ रही थी ना ऊपर भाग रही थी। दूसरी दफा गुजरा तो थोड़ा लॉस क्या हो गया, देखो कम हो रहा, डेटा को देखा थोड़ा समझ में आ रहा है उसे, तीसरी दफा लॉस और कम हो गया, और कम हो गया, होते 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 लॉस 100 से होते हुए बिल्कुल कम होते 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 जो है हमारे पास लॉस जो है वो किस पे आ गया, 165 पे। अच्छा क्योंकि स्क्वायर्ड एरर है ना, इस वजह से वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। अगर मैं इसका रूट निकाल लूं तो कम 13 पे आ जाएगा, 169 आ जाएगी। अच्छा ये हमारी ट्रेनिंग जो है वो क्या होगी, मुकम्मल होगी, 40 ईपॉक्स चल गए, जितनी मैंने बोला था उसने चला दी। अब हमने क्या किया, अब मैंने प्रिडिक्शन चलाई, ट्रेनिंग हो गई, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ भाई जरा बताओ क्या सीखा, ये क्या किया, प्रिडिक्टेड लाइन निकाला है जो हमारे लाइन से हमें लाइन के फंक्शन से रिटर्न आ रही है, y, ये सारी y प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ गई, कितनी वैल्यू है इसकी लेंथ चेक कर लें आप, ये उतनी ही होंगी जितना हमारा डेटा है y predicted में, 10,000, ठीक है। सर म्यूट कर लिया करो भाइयों, ठीक है, 10,000 हमारे पास x गए तो 10,000 हमारे पास y आ गए, ठीक है। अब 10,000 y आएंगे, अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, जो 10,000 predicted आए हैं ठीक है उनको x के साथ जो है वो प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है जी, x के साथ प्लॉट करता हूँ देखता हूँ कैसी लाइन प्रेडिक्ट करी है उसने, देख रहे ये मॉडल ने काम करके दिया आपको, सब साथ है मेरे सब। 40 iterations की थी ना आपने, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे 40। ये वैसे कितनी होनी चाहिए या हम क्या सर, हम और जितना ज्यादा बढ़ाएंगे और इतने ज्यादा लॉसेस कम हो जाएंगे। मैं इसको करता हूँ, मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है, ईपॉक्स 100 चल रहा है,
सर हम ये कितनी रखें ये या इसका क्या किस चीज को हम मद्देनजर रख के ये आइटरेशन रखेंगे? असल में ये वो सवाल है जो आगे आपको मैं पूरी बातें सिखाऊंगा कि कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? अभी ना पूछे मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ। क्या आपने कहा ना जितनी अभी किसी ने कहा था कि जितनी बढ़ाएंगे और लॉस कम होता जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपका लॉस जो है वो दोबारा बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। इसके भी रीजंस हैं जो हमें पूरी टेक्निक्स जो है वो सीखनी है। हमने अभी इसमें कोई कोडिंग तो करी नहीं है, हमने टेक्निक्स ही अप्लाई करनी है, तो हमने उस टेक्निक्स को ही जो है वो सीखना है, ठीक है? तो ये मैंने 40 यहाँ लिखा हुआ था तो इसका मतलब कुछ सोच के ही लिखा होगा, क्योंकि 40 के बाद लॉस यकीनन जो है बढ़ना शुरू हो गया होगा। अगर मैं इसको 50 भी कर दूं, लेट्स सी। तर हम कह सकते हैं कि इसमें फिर ओवरफिटिंग हो जाएगी। अब यार मुश्किल मुश्किल बातें नहीं करो ना, छोड़ दो ना, बस बाकी वो नहीं पता ओवरफिटिंग। ठीक है जी, 50 में भी लॉस जो है ना वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं मॉडल को दोबारा इनिशिएट करना पड़ेगा, वरना वो उसी के आगे से ट्रेनिंग किया जा रहा है और ओवरफिट हो जा रहा है। अब मैं इसको 50 पे चला दू, निकाल लिया, प्लॉट चला लिया, हमारे पास लाइन जो है वो यहाँ पर आ गई। अच्छा जी, अब मसला ये है कि हम वहां पर क्या एडजस्ट कर रहे थे, सबको याद है? मैन्युअली जब लाइन, हाँ मैन्युअली जब लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो हम अपना एरर भी चेक कर रहे थे वहां पर, हमने एरर नहीं चेक किया था, हमारा मीन स्क्वायर इतना ज्यादा आ रहा था, ठीक है ना, 95,000 एक्सपो। अगर मैं इसको और जो है ना वो करूं 89,000, तो इतना एरर आ रहा था, ठीक है? हमारा एरर अब कितना आ गया, 179 पे आ गया, 170 पे आ गया। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में जो चीज चेंज हो रही थी वो थे पैरामीटर, जो इम्पोर्टेंट बात में करने वाला हूँ, डब्ल्यू और बी। मॉडल भी यही कर रहा है, मॉडल भी अपने हिसाब से क्या करता जा रहा है, पैरामीटर अपडेट कर रहा है, और जो जो पैरामीटर रखता है उसमें लॉस चेक करता है कि कितना करीब आ गया, पॉसिबल लॉसेस चेक करता है, जितना कम होता है वहां पर आकर जो है ना, मतलब 40 के बाद कम से कम पे आ गया। अच्छा, अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इससे पूछने जा रहा हूँ, यार हमें भी बता दे भाई तूने क्या रखे हैं पैरामीटर, मैंने क्या फंक्शन चलाया, मॉडल डॉट गेट वेट्स डब्ल्यू और बी। ऊपर वाले मैं ये चलाऊ पहले, सॉरी इसको यहाँ नहीं चलाना, वहां चलाना है, यहाँ चलाना है, जरा वेट करा हमें बता दे भाई प्लीज। तो ये कह रहा है कि W और B क्या क्या है, ये कह रहा है W जो है वो 7.7 है और B -349 है, एक साल भी हमें पता नहीं चलता जी, तो मतलब ये हमारे वो स्लोप और इंटरसेप्ट के वैल्यू, ये वो स्लोप और इंटरसेप्ट है जिससे हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या हो रही है, बेस्ट सूटेबल बन रही है। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पर अपने ये वाले प्रोग्राम में जहाँ पर हम मैनुअल रख रहे थे, मैं इसको बोलता हूँ चलो यार चलो मैं ये लो, ये वैल्यू है किसकी, डब्ल्यू की, और ये वैल्यू है 349, ये वैल्यू है इसकी, ये रख के जरा मुझे दिखाओ एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। सी
बिल्कुल वही बात है। तो पूरा जो अभी इस वक्त मैंने आपके सामने पूरा जो इसका बेसिक फिनोमेना है मशीन लर्निंग का वो बिल्कुल खोल के रख दिया है कि वो क्या क्या जो है ना वो कर रहा होता है। मैनुअल हमें कैसे करना पड़ा और मॉडल अपने बिहाफ पे जो है वो सारी कैलकुलेशन ये ट्रेनिंग के दौरान सीख के मॉडल ने जो है पैटर्न को निकाला और बेस्ट लाइन जो है वो निकाल दी। 40 जो आपने वैल्यू दी है आइट्रेशन के लिए वो समझ नहीं आई। हाँ देखो अब मैंने मैंने भी जो है ना मुझे नहीं पता कि 40 क्यों रखी है लेकिन मैंने पहले 10 रखी होगी। 10 रखने के बाद मैंने देखा लॉस कहाँ तक आ रहा है फिर मैंने थोड़ी बढ़ाई 20 रखी अभी लॉस कम हो रहा है फिर मैंने 30 रखी लॉस कम हो रहा है फिर मैंने 40 रखी और कम हो रहा है लेकिन मैंने 50 रखी तो मैंने देखा 40 के बाद लॉस क्या होना शुरू हो गया बढ़ना शुरू हो गया तो मैंने कहा यार 40 ही सही है आई बस यूं रखी। मतलब हम 10 के आइट्रेशन से मतलब वो उसको बढ़ा के और देखते क्या हिट। हाँ वही वही वाला है हिट एंड ट्रायल। मतलब सर इस मॉडल ने हमारे इस मॉडल ने वेट और 22 निकाले हैं पैरामीटर ही कैलकुलेट कर रही होती है मशीन लर्निंग और सारी जो है ना वो इक्वेशन ही होती हैं जो ये बन रही होती है उनके पैरामीटर ही निकाल रही होती है। अच्छा सर एक और बात है कि हमने एक प्रिडिक्शन निकाली थी और एक हमने उससे पहले एरर निकाला था तो एरर जो हो गया वो दो आउटपुट्स के दरमियान हो गया मतलब जो हमारे फंक्शन ने निकाला और जो ये जो आ रहा है ना ये जो आ रहा है देख लो ये मेन स्क्वायर्ड एरर है ये जो आ रहा है लॉस जिसको ये लॉस कह रहा है ये किस किस के दरमियान आ रहा है ये ओरिजिनल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट का डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस का स्क्वायर। अच्छा एक और ये जो 313 आउट ऑफ 313 तो उसने 313 सैंपल डेटा लिया ये है इसका मतलब। नहीं हमारे पास जो है ना वो 10,000 रिकॉर्ड है ठीक है यहाँ बैच साइज जो है ना मेरे ख्याल से चल रहा है डिफॉल्ट में मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ 10,000 डिवाइड बाय 64 156 कितना आ रहा है वो 313 आ रहा है जी 10,000 डिवाइड बाय 128 78 78 60 डिवाइड बाय 313 करते हैं तो पता चल जाएगा। हाँ डिवाइड बाय 313 करना चाहिए मैं कुछ और करना 32 जो है ना बैच साइज रखा हुआ यानी एक दफा में वो मॉडल को 32 रिकॉर्ड जो है ना फीड कर रहा है। दैट मींस उसने कितने सैंपल डेटा उठा रहा है ना 32 रिकॉर्ड्स का सैंपल डेटा। हाँ 32 रिकॉर्ड्स का डेटा उठा रहा है तो उस तरह उसको 313 दफा मॉडल को किसी पैरामीटर से सैंपल साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। यहाँ पर एक यहाँ पर एक पैरामीटर है इट इज इक्वल टू 256 ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ नाउ यू विल सी 40 पे चल गया 40 उठाया उसने पूरी चला दी आई बस समझ और बैच साइज से भी जो है ना हमारे आउटपुट पे देखो कितना फर्क पड़ गया। हाँ ये है। अच्छा एक और ये जो चीज हमने किरास पे जो सीक्वेंशियल मतलब लाइक मॉडल को इंपोर्ट किया है तो मतलब हाँ। इसको ये चीजें जो है वो कैसे पता चलेंगी लाइक दिस इज द सीक्वेंशियल के भाई हमें स्ट्रेट लाइन तो भाई पढ़ाऊंगा ना ये आज क्लास आखिरी थोड़ी है ठीक है तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने थ्योरेटिकल जहां पर आपको दिया और यहां हमने जो कहानी क्लासिकल और मॉडर्न वाली पढ़ी कि मैंने पूरी जड़ें मजबूत करने के लिए आपको मॉडल पे ले लिया और ना अभी मुझे मॉडल पे जरूर लेके जा रहा है निकाली और क्यों। देखो ये हमारे डेटा में हाइट और वेट है एक्स हमारा इनपुट है वाई हमारा आउटपुट है हाइट हमारी
इनपुट है और वो आपको प्रिडिक्ट करके जा रहा है कि इस बंदे की हाइट इतनी है तो इसका वेट जो है वो इतना होगा। ठीक हो, ठीक है। अब मैंने पहले ट्रेनिंग कराई उसकी, मैंने कहा एक्स इनपुट लो और वाई ट्रू ओरिजिनल वाला डेटा ले लो, ठीक है जी। इनपुट और आउटपुट दोनों दे दिए, डेटा भी दे दिया और लेबल भी दे दिया, यानी आंसर भी दे दी। अभी वो सीख रहा है, अभी सीखे जा रहा है और पैटर्न को क्या कर जा रहा है, लर्न करने की कोशिश किए जा रहा है। अब इस कोशिश में भी उसको जो है ना वो लॉस और एरर नजर आने शुरू हो गए कि भाई थोड़ा बहुत लर्न किया और डेटा उसके पास आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो पहले वो खुद प्रिडिक्ट कर रहा है कि कितना है, फिर ओरिजिनल से मैच कर रहा है, उसने कहा यार ये इतना आ रहा है, एक डेटा का नहीं आ रहा, ये पूरे 10,000 का मीन आ रहा है। ठीक है जैसे मैंने आपको यहां पे करके दिखाया था कि हमने क्या लिया था, मीन वैल्यू ली थी या लॉस फंक्शन के अंदर। तो बेस्ट साइज 26 किया है तो वो 4 एपॉक्स के बाद ही वो लॉस इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो बेहतर है कि हम एपॉक्स 4 दे दें। असल में ये चीजें सीखनी है ना, आप लोग आगे आगे भाग रहे हैं जल्दी में, अभी ये पूरी कहानी है जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि किस केस में हमें क्या करना है, क्या सिनेरियो बनेगा तो क्या होगा। अच्छा ये ये लॉस जो है वो पूरे 10,000 का आ रहा है कि सैंपल साइज का आ रहा है? नहीं, सैंपल ये आ रहा है, पूरा इपॉक चल रहा है ना, हाँ पूरे पूरे लॉ पूरे का आ रहा है जी, मतलब पूरे 256 बैचेस का आ रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक। सर कॉल, ये कॉल ऐप के ऊपर आपने ये किसी फंक्शन का सिग्नेचर चेक कैसे किया था, शॉर्ट इसकी जो शॉर्टकट की है वही शॉर्टकट की जो नोटबुक पे थी, हमारे शिफ्ट टैब ना भी लगाए, फंक्शन के अंदर आएंगे तो खुद ही दिखा देता है। ये मैंने यहाँ लिखा ना बैच साइज, कॉल ऐप अब खुद ही दिखाने लगा बहुत सारी चीजें, क्लिक करता हूँ। भाई अभी तो दिखा रहा था, कंट्रोल नहीं आ गई, आ गया उस फंक्शन के ऊपर क्लिक करें, सही सही कंट्रोल क्या नहीं, कंट्रोल स्पेस बार से भी आ रहा है, गुड है, सही सही सर, वो आप खोल सकते हैं उसका, ठीक है जी। तो होपफुली समझ में आ गई होगी चीज कि किस तरह ये y is equal to mx plus b जो है वो काम कर रहा है पूरी मशीन लर्निंग के ऊपर। कोई और सवाल हो तो जो है वो सर एक चीज बताइएगा, लास्ट क्लास में आपने जो है वो एक वेबसाइट बताई थी जहाँ पे हम ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, उसका क्या नाम था सर? फ्री कोड कैंप। सर वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीज ना समझ लगेगी हम वहां से देख लेंगे। वो तो कर ही देता हूँ यार, मिल रही है ना सारी। सर बहुत देर करते हैं आप। अच्छा अब आपने क्या पढ़ना है? म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो यार। अब आपने ये चैप्टर जो है ना पूरा पढ़ना है, इसको अगली दफा सिर्फ मैं वो बातें डिस्कस करूंगा। ये चीज अभी मैंने कर ली, इनपुट डेटा चाहिए होता है हमें, आउटपुट डेटा चाहिए होता है और लॉस कैलकुलेटर चाहिए होता है, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगी वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। सर ये वाली बात समझ नहीं आई, सब मार्क करके अपने पास रखेंगे, ये लाइन समझ नहीं आई क्या हो रही है। ओके, कॉन्सेप्ट पढ़ के रखिएगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। कैसे ये डायग्राम काम कर रही है, फिर आगे तो थ्योरेटिकल है, कुछ मॉडल्स का जिक्र है, अल्गोरिथम पीएम कर्नल मेथड्स कौन से हैं, फिर एसवीएम डिसीजन ट्रीज ग्रेडिएंट बूस्टिंग, ये सारे पुराने एल्गोरिथम से मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग से पहले के, अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर न्यूरल नेटवर्क्स का वापस आ गया तेजी के साथ 2011 में,
और रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास हार्डवेयर ऐसा है जो इतने बड़े डाटा को प्रोसेस कर सकता है, हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा है, हम एल्गोरिथम बड़े अच्छे बन गए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब नई क्यों आ रही है, मैंने वो शुरू में बता दी है आपको, खत्म हो जाएगी क्या डीप लर्निंग जैसे पहले हो गई थी? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप स्टडी करिएगा, मार्क करके पढ़िएगा, ताकि आपके पास जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप हो जाए। जो चीजें रह जाएंगी वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। चैट में कोई कुछ पूछ रहा है? चैट मैंने शेयर की है, उठा ले वहां से अभी। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन है। जी जी जरूर पूछिए। सर जब हम ईपॉक्स चलाते हैं, लेट से 40 हमने चला दिए थे, तो अब वो मॉडल ने उसको ट्रेन करके एरर निकाल के और वो हो गया। जब मैंने इसको फॉर एग्जांपल रीसेट करना है कि जो उसने लर्निंग किया वो अरेज हो जाए और अगेन वो दोबारा से इसको लर्निंग करवाए, तो फिर मुझे ओरिजिनल मॉडल दोबारा रन करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ से इसको बार बार चलाता रहूंगा ना जी, तो ये स्टार्ट जो है वहीं से होगा जहां इसकी पुरानी लर्निंग खत्म हुई थी। जी बिल्कुल। मैं क्या करना चाहिए, मुझे इस वाले सेल को दोबारा इनिशिएट कर देना चाहिए। अब ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना सिक्वेंशियल का। जी बिल्कुल। तो अब पुरानी सारी लर्निंग खत्म हो गई और नई आ गई। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भी, एनीथिंग एल्स या एंड करें? थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह से अच्छे से मेहनत करना भाई, सब दिल लगा के पढ़ो। ओके ओके ओके, क्या कह रहे हैं? पिछली क्लास डाउनलोड करो, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। साइज बुक डाउनलोड कर, हाँ कर लें कर लें कर लें। साइज और लेंथ में सीरीज की साइज क्या है? साइज और लेंथ किस चीज का? किसी सीरीज का जब साइज लेते हैं या लेंथ लेते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस है? साइज जो है वो एक ही चीज बताता है, लिस्ट की लेंथ निकाल लो, साइज निकाल लो। लंबाई में साइज होता है, लेंथ भी चल जाता है, लेंथ पाइथन की लिस्ट में होता है। साइज और लेंथ दोनों फंक्शन देखे थे, तो डिफरेंस मुझे कुछ नहीं है, मेरे ख्याल कोई स्पेसिफिक डिफरेंस हो। अच्छा नहीं नहीं, बुक्स जो है यहाँ फाइल सेक्शन में मिल जाएगी, सर्च आप करेंगे डीप लिख दिया जाएगी, डीप लर्निंग विद पाइथन। सर नोटबुक भी शेयर करते हैं? नोटबुक आप मेरी ये वाली रिपोजिटरी में जाके, मैं यहाँ इसका लिंक सबको चैट में डाल रहा हूँ, वहां से आप चेक कर लें इसको। ओके तो थैंक यू। सर ये कोलैब का लिंक कोलैब वाली फाइल चाहिए? तो उसको सेव कर लेना, वो वेटिंग से सेव हो गई, वो तो ऑटोमेटिक। अच्छा ओके, तो उसका लिंक अगर चैट में शेयर कर देगा। अच्छा जी, इसको लिंक चैट में शेयर कर दे। चलिए आपको मिलेगा ये यहाँ पर। Thank you.
जी जी बोले सर, जब हमारे फोर क्वार्टर पूरे हो जाएंगे तो हमें BIAC इंटर्नशिप ऑफर करेगी? देखें यार क्या होता है, प्लान तो बहुत सारे। ओके सर। अरे मासूम होना संभालते हैं। हाँ कहाँ चली गई फाइल? ये भी चैट में डाल रहा हूँ। ठीक है जी, हो गए। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़ है, जी जी